नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने इस बार एक चीनी मिल बंद हो जाने के बाद सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल बंद हो गया है। इस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने नीतीश सरकार में बंद कराई गई चीनी मिलों और उद्योगों को शुरू करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने एक और चालू शुगर मिल को बंद करवा दिया। तेजस्वी ने कहा कि रीगा चीनी मिल बंद हो जाने से इलाके के हजारों गन्ना किसानों के ऊपर बर्बादी का संकट मंडराने लगा है। रीगा चीनी मिल बंद हो जाने पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ना तो यह जालिम सरकार युवाओं को नौकरी दे सकती है और ना ही उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकती है। चीनी मिल में ताला लटकने की वजह से आसपास के किसानों को करीब 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है। पहले ही किसानों को 80 करोड़ रुपया शुगर मिल पर बकाया है। इसकी वजह से किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में गन्ना एक नगदी फसल है। यहाँ के किसान सालों से गन्ना उगाकर रीगा चीनी मिल को बेचते रहे हैं। हालांकि इस इलाके में कुछ किसान गन्ने की पिराई कर गुड़ भी बनाया करते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा मात्रा में गुड़ बना पाना भी संभव नहीं है। किसानों को रीगा शुगर मिल पर गन्ने के उचित दाम भी मिल जाते थे, जिससे उनकी कमाई अच्छी हो जाती थी। आपको बता दें कि कभी बिहार में 33 चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन आज बिहार में सिर्फ 11 चीनी मिलें ही बची है। एक समय बिहार देश का 40% गन्ना अकेले ही पैदा किया करता था, लेकिन अब यह आंकड़ा सिर्फ 3.20% पर आकर सिमट गई है। चीनी मिलें के बंद हो जाने के बाद गन्ना किसानों के अलावा वहां काम करने वाले कामगार भी प्रभावित हुए हैं। मजदूरों को रोजगार चले जाने की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिलों का मुद्दा उठाया था। हालांकि इससे पहले के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी के चीनी मिलों को शुरू करवाने का वादा किया था और कहा था कि वो अगली बार जब यहां आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी का चाय पियेंगे, लेकिन अब तक चीनी मिल वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। बताते चले कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार हमलावर होते रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार की कमियों को जमकर उजागर करते हैं और इस दौरान वो सरकार की आलोचना करने से जरा भी नहीं चूकते। हाल ही में सीतामढ़ी के रीगा में बंद हुई चीनी मिल को लेकर अब विपक्ष सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कही है और एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।